जी, सुबह मतलब ध्यान करने के लिए जाते हैं उधर, एक पहाड़ी है और झरना बहते रहता है, मतलब अच्छा रहता है। तो सुबह ध्यान होता है, शाम को भी मतलब फिर बीच में, मतलब जब ऑफिस के बाद से रूम पे आते हैं खाना खाने के लिए, वो 1 घंटा पे बैठते हैं, तो उस तरह का नहीं हो पाता दोपहर में। तुम कह रहे हो कि जब वातावरण अनुकूल होता है तभी ध्यान हो पाता है। जी, मतलब ध्यान ऐसा होता है कि मतलब पता नहीं चलता है कि हम खाना है कुछ। शुरू में म्यूजिक लगाते हैं, फिर बंद करके ये हो जाता है, लेकिन फिर दिन में उस तरह से बैठने से मतलब जो ऐसा तुमने होता है। खुद ही तय कर लिया ना, जब तुम एक विशेष क्रिया करके ध्यान लगाते हो तो तुम अपने आप को ही ये बताए दे रहे हो ना कि मेरा ध्यान तो इस क्रिया के माध्यम से ही लगेगा। जब तक वैसा माहौल होगा, वैसा संगीत होगा, वो जगह होगी, पहाड़ी होगी, तभी मेरा ध्यान लगेगा। तो जब वो जगह छूटती है, उस समय वो संगीत छूटता है, तो तुम्हारा ध्यान भी छूट जाता है। जी, जो लोग किसी तरीके से ध्यान वो तक करते हैं, उन बेचारों को ये कठिनाई आएगी ही आएगी। उनका ध्यान अब तरीके पर आश्रित हो गया ना, बल्कि तरीका ध्यान को उन तक लेकर आ रहा है। ध्यान छोटा, तरीका बड़ा हो गया। मुझे तो लगता है जो सुबह शाम वो रस वो आनंद मिल रहा है, मतलब दिन में क्यों नहीं ऐसा होता। समझाया तो सुबह शाम आनंद मिल रहा है ना, जी, तो सुबह शाम मिल जाता है। तुमने मतलब सुबह और शाम बांध तो दी है आनंद के लिए। तुम खुद ही आनंद को निरंतर कहाँ बना रहे हो? तुमने उसके लिए तो खांचे बना दिए हैं ना, तुमने उसके लिए समय बांध तो दिया। वो चाह रहे हैं कि वो सुबह शाम ना रहे, मतलब अगर चाहते हो कि सुबह शाम ना रहे, अहर्निश रहे, तो सुबह शाम जो करते हो करना बंद कर दो। सुबह शाम में नहीं रहेगा। हाँ, यही भूल करता है मन। मन को लगता है कि जान लगा के, जोर लगा के 1 घंटे पा लेता हूँ, किसी तरीके से उस 1 घंटे को 23 घंटे में भी विस्तारित कर दूँ, पूरा जान लगाता हूँ, पूरी ताकत लगाता हूँ, सब कुछ कर लेता हूँ, तब जाके किसी तरह शांति मिलती है। और हमें तो शांति ऐसे ही मिलती है ना, पूरी जान लगा के ये कर, तो थोड़ी सी मिलती है। फिर हम कहते हैं कि जो थोड़ी सी देर को चीज़ मिली है वो लगातार कैसे रहे? और अनुभव वही रहता है जो पंकज का है, कि थोड़ी देर को मिलती है फिर चली जाती है, नहीं रहती। थोड़ी देर को नहीं मिलती, वो थोड़ी ही देर को मिलती है। तुम्हें लगता है कि वो थोड़ी देर को आई है? नहीं, वो थोड़ी देर को आई है और ये शर्त रख कर आई है कि थोड़ी ही देर को आऊंगी और उसके बाद नहीं रहूंगी। तो 1 घंटे की वो शांति अपने साथ ये शर्त लेकर आती है कि 23 घंटे की अशांति रहेगी। तुम्हारा ध्यान सिर्फ उस 1 घंटे की शांति पर रहता है तो तुम्हें लगता है चीज़ बढ़िया थी, 1 घंटे की शांति मिली। तुम्हें ख्याल ही नहीं आता कि 23 घंटे की अशांति भी इसीलिए मिली क्योंकि वो जो शांति थी वो घंटे भर वाली थी।
जो चीज तुम्हारी अशांति का कारण है तुम उसे शांति समझ के पकड़े हुए हो। जो चीज तुम्हारी अशांति का कारण है तुम उसे ही शांति समझ के पकड़े रहते हो। कि जैसे कोई पुरुष अपनी पत्नी के लिए दुनिया भर के कुकर्म करे, दिन भर चोरी करे, घूस खाए, झूठ बोले, चालाकी करे, धोखा दे, किसी से प्रेम ना रखे, ये सब वो किसके लिए कर रहा है? पत्नी के लिए, कि पत्नी को सुख दूंगा, पैसा दूंगा, जेवर दूंगा। अब दुनिया भर से वो फिर दुर्दुराया जाए, जब दुनिया के प्रति उसका व्यवहार झूठ का, धोखे का, भ्रष्टता का रहेगा तो दुनिया भर से वो दुर्दुराया दुर्दुराया जाएगा। जहाँ जाएगा वहीं गाली खाएगा, लात खाएगा। दुनिया भर से पिट पिटा के जब वो लौट के आए पत्नी के पास तो पत्नी के आंचल में उसे बड़ी शांति मिले, खूब शांति मिले। पत्नी कहे आओ आओ। अब वो क्या सोच रहा है कि पत्नी के साथ उसको मिलती है शांति, जबकि पत्नी ही कारण है उसकी अशांति, सारी शांति, अशांति का। और उसको गलत भी नहीं लग रहा क्योंकि उस 1 घंटे में जब वो पत्नी के साथ होता है शांति तो शांति मिलती है। मिलती है। पर वो ये नहीं देख रहा है कि पत्नी के साथ मिली शांति और जो बाकी 23 घंटे उसको अशांति मिलती है वो दोनों 1 घंटे एक है। ये जो 1 घंटे की शांति है इसी की खातिर वो 23 घंटे की शांति बर्दाश्त करता है। इस 1 घंटे की शांति के कारण ही तो उसने अपना जीवन 23 घंटे की अशांति से भर रखा है। अच्छा, ये से आध्यात्मिकता में ओशो को एक बार ये सुना है जिन्होंने कहा कि आप 1 घंटे से ही शुरू करो, फिर वो 1 घंटा आपके 24 घंटे के जीवन पर फैल जाएगा। वो बोलेंगे जैसे उसका नशा, मतलब 1 घंटे का स्वाद आया तो तुमको सुन कर कैसे हम शांत हुए 1 घंटा, उसकी झलक मिली। जो वो चाह रहे हैं वो एक भोले मन की चाहत है और वो चाहत भोले लोग ही पूरी कर पाते हैं। उन्होंने जो कहा कि तुम्हें 1 घंटे अगर स्वाद मिलेगा तो तुम उत्सुक हो जाओगे कि बाकी 23 घंटे भी ये स्वाद कायम रहे। ये बात उन्होंने अपनी ओर से बिल्कुल ठीक कही, लेकिन ये बात लागू सिर्फ जरा भोले लोगों पर होगी कि कोई कहे कि मुझे थोड़ी देर को मिला, अब निरंतर भी वही अवस्था रहनी चाहिए, वैसा होता नहीं है ना। एक फोन कंपनी आई, जी फोन कंपनी आई, उन्होंने नया नया एक ऑफर निकाला। वो ये था कि हमारा सिम लो, पहले हफ्ते जितनी बात करो सब मुफ्त, जितनी बात करो सब मुफ्त, और जितना डेटा प्रयोग करो वो भी सब मुफ्त, और देखो हमारे डेटा की क्या बढ़िया स्पीड है, हमारा नेटवर्क कितना बढ़िया है। उनकी उम्मीद क्या थी कि लोगों को 1 हफ्ते अगर स्वाद लग गया तो लोग कहेंगे वाह डेटा की क्या स्पीड है, नेटवर्क कितना बढ़िया है, और फिर लोग उनका सिम हमेशा के लिए। हमेशा के लिए आगे भी इस्तेमाल करेंगे। ये जो योजना थी ये बुरी तरह से विफल रही, फ्लॉप रही। लोग भोले नहीं है ना, लोग सरल नहीं है। लोगों ने क्या किया, 1 हफ्ते बाद 1 हफ्ते बाद वो दूसरा सिम ले लेते हैं। 1 हफ्ते मुफ्त सिम इस्तेमाल किया और फिर फिर मुफ्त ले लिया और फिर मुफ्त ले लिया। लोग कीमत नहीं देना चाहते, लोग कीमत नहीं देना चाहते।
तो ओशो तो कह रहे हैं कि तुम्हें एक घंटे चस्का लगेगा तो तुम 2300 घंटे करने के लिए व्याकुल हो जाओगे। 23 घंटे तुम ध्यान में रह सको इसके लिए कीमत देनी पड़ती है। लोग कीमत नहीं देना चाहते। ध्यान की विधि में कोई कीमत नहीं देनी पड़ती। ध्यान की विधि में तो कोने में बैठ गए, आसन जमाया और ध्यान लग गया। लेकिन अगर 24 घंटे ध्यान में रहना है तो कीमत देनी पड़ती है ना। जीवन बदलना पड़ता है, ढर्रे बदलने पड़ते हैं, अहंकार गिरता है, रुपए पैसे से भी कीमत अदा करनी पड़ती है, सब कुछ बदलता है। लोग कीमत नहीं देना चाहते, तो इसीलिए जो चीज़ मुफ्त मिल रही होती है उतना ले लेते हैं और उतना ही बार बार फिर लेते रहते हैं। एक घंटे वाला ध्यान ठीक है, उसमें बहुत कीमत नहीं देनी पड़ती, बल्कि स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। एक घंटे अपना पहाड़ पे बढ़िया ताज़ी हवा खाओ, ध्यान भी लग गया, थोड़ी शांति भी मिल गई। और शांति तो मिलती है, एक घंटे वाले ध्यान में भी कुछ शांति तो मिल ही जाती है, लेकिन 24 घंटे वाले ध्यान की बात दूसरी है। उसमें निरंतर शांति रहती है, लेकिन फिर उसमें कीमत बड़ी देनी पड़ती है। छोटे शहरों में जाओ तो वहाँ वो ठेले वाले होते हैं, वो मूंगफली रखे होंगे और 5-10 तरह की नमकीनें रखे होंगे, और वहीं कस्बे के जो बेरोजगार दबंग होंगे 35 के पहले वैसे भी वहाँ काम करना शान के खिलाफ होता है ना। तो 35 तक तो आप यूं ही बस सड़कों पर घूमते हो छुट्टे सांड की तरह। तो वो वहाँ रखे हुए तो उसके पास जाएंगे, हाँ ये दिखाओ ज़रा, टेस्ट कराओ टेस्ट, तो थोड़ा इसको भी टेस्ट करेंगे, फिर थोड़ा उसको भी टेस्ट करेंगे, फिर थोड़ा इसको भी टेस्ट करेंगे। टेस्ट वो खूब करेंगे, खरीदेंगे, कीमत किसी की नहीं अदा करेंगे। ध्यान की विधियाँ ऐसी ही होती हैं। ध्यान की विधियाँ निर्मित की गई थी तुम्हें टेस्ट देने के लिए, पर गुरुजन ये थोड़ी चाहते थे कि तुम टेस्ट लेके आगे बढ़ जाओ। वो क्या चाहते थे कि अगर स्वाद अच्छा लगे तो खरीदो। पर तुम बहुत चालाक लोग हो, तुम उतने सरल और भोले लोग हो नहीं जितना कोई ओशो तो चाहता होगा कि तुम सरल और भोले रहो। तुम बहुत चालाक, तुम टेस्ट ही टेस्ट किए जाते हो जीवन भर, जैसे कि कोई रोज उसके पास जाए और रोज कहे कि टेस्ट करा, और 10 चीज़ें टेस्ट करे, इतने में वो आधा किलो टेस्ट कर गया, आधा किलो वो स्वाद लेने लेने में हजम कर गया, आधे किलो नमकीन का तो स्वाद ही ले गया। और वो टेस्ट ही फिर तड़प से रोक देता है उसकी। तो तुम्हें पता है कि अगले दिन फिर जाएंगे, फिर मुफ्त मिल जाएगा, तो कीमत क्या अदा करनी है। सत्र के बाद जैसे छोटी छोटी आवाज़ भी बहुत स्पष्ट सुनाई दे रही थी। नॉर्मली कभी सुनता हूँ तो मुझे नहीं लगता इतनी क्लैरिटी से कभी सुनाई देता है। इसका कारण शांति होती है, मौन होता है, तो छोटी आवाज़ें भी साफ सुनाई देने लगती हैं। कहते हैं ना कारखाने में तूती की आवाज़ सुनाई देती है क्या? भीड़ भाड़ वाली सड़क पर इंजन का शोर है, लोगों की आवाज़, हॉर्न बज रहे हैं, वहाँ तुम्हें चिड़िया का चहचहाना सुनाई देगा क्या? नहीं देगा। हर समय इस स्टेज में रहा जा सकता है, हर समय वो होता है। हाँ, जो एक दूसरी चीज़ है जो ज़रूरी नहीं है कि हर समय रहे, जो हर समय रह भी नहीं सकती,
उसको हम अपने ऊपर लाद लेते हैं। जैसे मिट्टी है, सामने देखो मिट्टी कहाँ है? घास के नीचे। घास कभी है कभी नहीं, मिट्टी। बारिश हुई, घास आ गई, फिर बारिश चली जाएगी, जाड़े आएंगे, घास ज़रा पीली पड़ेगी, गर्मी आएगी, घास गायब ही हो जाएगी, मिट्टी हमेशा रहेगी ना। तो बेसिकली थॉट्स जो हैं वो घास की तरह काम करते हैं। मन के मौसम, आते हैं जाते हैं। समझ रहे हो पंकज? जी सर। नमकीन चखो और कभी कभार खरीद भी तो लो, कीमत भी तो अदा करो। अगर स्वादिष्ट है तो तुम्हारा ही बयान है कि स्वादिष्ट है, अगर स्वादिष्ट है तो खरीद भी तो लो भाई। अगर ध्यान एक घंटे का स्वादिष्ट लगता है तो थोड़ा उसको बढ़ा भी दो, कीमत भी अदा करो। जीवन ऐसा बनाओ कि ध्यान मग्न रहे। और हुआ था कि फिर मूंगफली वाले ने एक दिन थोड़ा सा ताना कस दिया कि भैया रोज रोज चखते ही रहोगे, कभी खरीदोगे भी। तो भैया ने क्या किया, उन्होंने चखना भी बंद कर दिया। बोले चखते हैं तो ये ताना कसता है, बोलता है रोज रोज चखोगे कभी खरीदोगे भी, तो ले अब हम चखेंगे भी नहीं, ये ना कर देना। आचार्य जी ने कहा है कि एक घंटे के ध्यान से कुछ नहीं होता, तो अब हम एक घंटे का भी ध्यान नहीं करेंगे। ऐसे भी बहुत आए हैं कि आप विधियों के खिलाफ हैं, तो पहले हम विधियों के द्वारा ही कुछ ध्यान कर लेते थे, अब हम
वो भी छोड़ रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम विधि के माध्यम से जो ध्यान कर लेते हो उसको छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ तुम उसको अपने पूरे दिन पर व्यापक कर दो। छोड़ने को नहीं, बढ़ाने को कह रहा हूं। ऐसी सी बात है, मैं बहुत भूखा हूं और कोई मुझे एक रोटी ला के दे, मैं बोलूं एक रोटी लाए हो, तो बोले लाइए वापस दे दीजिए। भाई मैं एक रोटी लौटाना नहीं चाह रहा, मैं चार रोटी और मांग रहा हूं। पर ये तुर्रेबाजी भी खूब देखी होगी कि किसी को एक रोटी तो और वो कहे यार एक रोटी दे रहे हो, तो बोले वापस दे दे। ये कुबुद्धि मत चलाना, ये कुतर्क मत करना। प्रवेश के लिए, आरंभ के लिए विधियां ठीक है। मेरी शिकायत उनसे है जो बहुत लंबे समय तक विधियों पर ही अटके रह जाते हैं, चखते ही रह जाते हैं, कभी पूरा भोजन करते ही नहीं। मैं उनसे शिकायत रखता हूं, समझे?